नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के गोसू में मुठभेड़ जारी, एक जवान शहीद, एक आतंकी ढेर। भारतीय रेलवे ने रखा सौर ऊर्जा से ट्रेन चलाने का लक्ष्य, 2030 तक बनेगी नेट जीरो कार्बन एमिशंस परिवहन सेवा। कानपुर मुठभेड़ मामला, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे 4 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्त से दूर, 2.5 लाख का इनाम घोषित। UGC की नई गाइडलाइन हुई जारी, 30 सितंबर के लिए जा सकेंगे एग्जाम। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल में विभाग वितरण पर खींचतान, सिंधिया बोले बीजेपी ही मेरा परिवार। ICMR के मुताबिक भारत में 6 जुलाई तक 1.2 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। नेपाल में चीनी राजदूत विवादों में गिरी, देश में हो रही है तीखी आलोचना। विजय दुबे के सियासी आका, बसपा से लेकर बीजेपी नेताओं के बीच पकड़। व्हाइट हाउस ने कहा कि कई देशों पर दबाव बना रहा चीन, हमारी सेना भारत के साथ है। मोदी सरकार की पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव, 2.28 करोड़ लोगों को राहत। प्राइवेट ट्रेनों में फ्लाइट जैसी सुविधाएं, रेलवे का मुनाफा कमाने का प्लान। शहीद CO की वायरल लेटर पर SSP की सफाई, रिकॉर्ड में शिकायती पत्र नहीं। रानी चटर्जी को बुली कर रहे शख्स के खिलाफ FIR, मुंबई पुलिस को कहा शुक्रिया। कोरोना को लेकर कर्नाटक सरकार का एक्शन, 100 से अधिक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड। दिल्ली में व्यापारियों के संगठन CAIT ने चाइनीज ऐप जूम के बहिष्कार की घोषणा की। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने पुलिसकर्मी के माता पिता को किया किडनैप। मामूली बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 36,500 अंक के पार। पुणे में 60 साल के एक व्यक्ति ने क्वारंटीन सेंटर में खुदकुशी की। कानपुर में पुलिस लाइन से 10 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर चौबेपुर थाने में किया गया। पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया और एक आतंकी मारा गया। पश्चिम बंगाल के सीमा सुरक्षा बल ने मालगाड़ी में पकड़ा बांग्लादेशी घुसपैठिया। सुष्मिता ने की दिल बेचारा के ट्रेलर की तारीफ, कहा कि काश मैं सुशांत को जानती। दीपिका ने रणवीर को खास अंदाज में विश किया बर्थडे, बताया जिंदगी की रोशनी। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच 5 अगस्त से शुरू होगी टेस्ट सीरीज, ओल्ड ट्रैफर्ड में पहला मैच। विराट और टीम को नहीं मिला BCCI का नोटिस।